हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जो आपको इमेज फ्रंट पे दिख रही है, आई एम डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि जितने भी हॉस्पिटल्स में कैनूला यूज़ होते हैं, सो उनका भी कुछ नंबरिंग होता है, ठीक है, कलर कोडिंग होता है। ओके, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्योंकि जितने भी बच्चों की जो मेडिकल लाइन में है, अगर ट्रेनिंग लगती होगी तो उनको ये नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। सो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट यह है पर्पल कलर कैनूला। ओके, हम सबसे पहले पर्पल कलर कैनूला के बारे में देखते हैं। जो बैंगनी कलर की कैनूला होती है वो किनको लगाते हैं और इसकी नंबरिंग और कलर कोडिंग होती है। ओके, जो पर्पल कलर की कैनूला होती है, आप इमेज में देख सकते हो, जो आपको दिख रही है फ्रंट पे बैंगनी कलर की, उसकी 26 गेज होती है। ओके, ये जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो ये क्वेश्चन जो है वो कैनूला वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, तो हर मेडिकल स्टूडेंट को कैनूला के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पर्पल कलर की कैनूला होती है वो 26 गेज की होती है। ओके, और जो गेज है ना, इसकी कैनूला की गेज जो होती है वो यूनिट होती है। तो इस चीज़ को लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कैनूला किसको लगाते हैं। देन हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में इसी को हम समझेंगे। ओके, एंड आप देख सकते हो इसमें दिया है एक्सटर्नल डायामीटर। जो कैनूला की एक्सटर्नल जो बाहरी डायामीटर होती है वो कितनी होती है, आप देख सकते हो इसमें दिया है 0.6 mm होता है। ओके, लेंथ इसकी होती है 19 mm, जो इसकी लंबाई होती है। डायामीटर का जो हिंदी होता है वो ब्यास होता है। ओके दोस्तों, एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी ब्यास होता है। फ्लो रेट बहने की दर जो होती है वो 15 ml मिली होती है। ओके दोस्तों, एंड आप इसके यूजेस को देख सकते हो न्यू नेट्स में, चिल्ड्रंस में एंड अल्डर अडल्ट में, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। सो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में। तो सो नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है। एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर की कैनूला है। ओके, इसकी जो गेज होती है वो 24 गेज की होती है। ये पर्पल वाली 26 गेज की होती है, येलो वाली 24 गेज की होती है। ओके दोस्तों, एंड एक्सटर्नल इसकी जो डायामीटर होती है वो 0.7 mm होती है, और जो इसकी लंबाई होती है वो 19 mm होती है, और जो इसका फ्लो रेट होता है वो 20 ml मिलीमीटर होता है। जो येलो कलर का कैनूला होता है वो अक्सर न्यू नेट्स में यूज़ किए जाते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि जो इसकी जो नीडल होती है ना वो काफ़ी स्मॉल होती है, सो ये बच्चों के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये कैनूला। तो सो बच्चों में ये ज़्यादा अक्सर लगाते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं ब्लू कलर कैनूला। ओके, जो इसकी गेज होती है वो 22 गेज की होती है। ओके दोस्तों, एंड एक्सटर्नल इसकी डायामीटर होती है वो 0.9 mm होती है, जो इसकी लेंथ होती है वो 25 mm होती है। फ्लो रेट जो होता है उसका 30 ml/min होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैनूला का यूज़ क्यों करते हो, बट जिनको पता होगा उनके लिए अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता रही हूँ। कैनूला का यूज़ अगर हमें कोई भी बॉडी में डिजीज कंडीशन होती है और हमें फ्लूड चढ़ने हॉस्पिटल में, देन फ्लूड कभी भी डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। तो सो जो फ्लूड चढ़ते हैं तो इस कैनूले के थ्रू ही चढ़ते हैं। जब ये कैनूला लगता है तो वो फ्लूड चढ़ाए जाते हैं। तो सो ये एक मेन रोल निभाता है फ्लूड को चढ़ाने में। उस फ्लूड में कुछ मेडिसिन भी मिला दिए जाते हैं जो कि इस कैनूला के थ्रू जाते हैं। सो कैनूला बहुत ही ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपल्स भी ले ले होते हैं बार बार, तो हम कैनूला का यूज़ करते हैं। ओके,
एंड आगे कंटिन्यू करते हैं, यूजेस में देख सकते हैं। इन्फ्यूज़न दिया है, इन्फ्यूज़न। सो जो इसका यूजेस है इन्फ्यूज़न में करते हैं, चुप। इसका यूज़ इन्फ्यूज़न में एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में अंडर अडल्ट में भी करते हैं। ओके दोस्तों, एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप ब्लू जो कलर है अडल्ट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो फ्लूड इससे इजीली ट्रांसफ्यूज हो जाता है, ओके, इन्फ्यूज़न हो जाता है, ओके। एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हमारा आता है यहाँ पे पिंक कलर का कैनोला, पिंक कलर का कैनोला है। इसकी जो होती है गेज वो 20 गेज की होती है, और जो इसका एक्सटर्नल डायामीटर होता है, जो बाहरी व्यास होता है, वो 1.1 mm होता है, और जो इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 32 mm होती है, ओके। एंड जो इसका फ्लो रेट होता है वो 55 ml मिनी होता है। एंड हम इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस में इन्फ्यूज़न एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो जितने भी कैनुला होते हैं उनके यूजेस कुछ ऐसे ही होते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन्फ्यूज़न, फ्लूड इन्फ्यूज़न, इन्हीं सब में करते हैं। ब्लड सैंपल लेने के लिए भी करते हैं और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी करते हैं। सो कैनुला का जो कलर कोडिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQs क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कौन से कैनुला कितने गेज के होते हैं और इनकी कलर कोडिंग क्या होती है, ओके। इनका एक्सटर्नल डायामीटर पूछ देता है, लेंथ पूछ देता है, एंड फ्लो रेट भी पूछ देता है, ओके दोस्त। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हमारा आता है हरे कलर का कैनुला, मतलब कि ग्रीन कलर कैनुला। जो इसकी गेज होती है वो 18 गेज होती है, ओके। और जो इसका एक्सटर्नल डायामीटर होता है वो 1.3 mm होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 45 mm होती है, एंड फ्लो रेट इसका 90 ml होता है। सो इसका फ्लो रेट काफ़ी अधिक है, क्योंकि जो इसकी नीडल्स होती है वो काफ़ी लंबी होती है। सो ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ईजिली हो जाता है। एंड यूजेस में देख सकते हो, रैपिड फ्लूड, जितने भी रैपिड फ्लूड चढ़ाए जाते हैं जल्दी फ्लूड देने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो इसका फ्लो रेट होता है वो अधिक होता है। और जो ये कैनुला है, जिनकी लंबी वेन होती है उन्हीं में डाला जाता है। सो क्योंकि इसकी नीडल काफ़ी लंबी होती है। एंड मेजर सर्जरी, सर्जरी के टाइम पे भी देते हैं, जब कोई बड़ी सर्जरी हो रही है तो। एंड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में भी हम यूज़ करते हैं। एंड आप इसको देख सकते हो, वाइट कलर कैनुला, जो इसकी गेज होती है वो 17 गेज होती है, और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.5 mm होता है, और लेंथ इसकी 45 mm होती है, और इसका जो फ्लो रेट है वो भी 150 ml होता है, ओके। ये अक्सर, अब हम इसके यूजेस देखते हैं। एंड रैपिड फ्लूड मेजर सर्जरी, रैपिड ब्लड फ्लूड ट्रांसफ्यूज़न में भी दे सकते हैं। सो ये कैनुला की कलर कोडिंग है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQs में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। एंड हमारा आता है ऑरेंज कलर का कैनुला, जो इसकी गेज होती है 14 गेज होती है, जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 2.1 mm होता है, और लेंथ इसकी 45 mm होती है, और जो बहने की दर होती है 270 ml होती है मिनी, ओके। और जो इसका यूजेज है वो रैपिड फ्लूड, मेजर सर्जरी, और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो हेलो दोस्तों, ये जो हमारा कैनुला है, कलर कोडिंग एंड गेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैनुला का अक्सर कलर कोडिंग, गेज भी पूछता है, और एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको प्रिपेयर करें अभी के लिए दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे।